हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग। दोस्तों, हम लोगों ने देखा पिछले एक साल से मार्केट ने बहुत ही शानदार तेज़ी दिखाई, बहुत ही साफ रिकवरी हम लोगों को देखने को मिली। ऐसे में अगर आप लोगों के पास अब इन्वेस्टमेंट का मौका देखा जाए तो बहुत ही कम बचते हैं। आज इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जिसने पिछले एक साल से कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, लेकिन बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा ये स्टॉक दिखा सकता है। दोस्तों, मैं हर वीडियो में ऐसे ही स्टॉक बताने की कोशिश करता हूँ जो कि फ्यूचर में आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करा के दिखाएं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिल सकें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच सकता है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक में, अवंती फीड की स्टॉक के बारे में। आप लोग देख सकते हैं 547 के अराउंड ये ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग बात करें पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की, तो आप लोग ने देखा कि केवल 5% के पॉजिटिव रिटर्न एक साल में इस कंपनी ने प्रोवाइड कराया है। पिछले एक साल से लगातार ये कंपनी यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है, और अब इस स्टॉक में बहुत ही शानदार मौका है एंट्री लेने का, क्योंकि कभी भी ये स्ट्रॉन्ग कंपनी मोमेंटम दिखाएगी और बहुत ही साफ मोमेंटम ये स्टॉक दिखाता है, ये बात सबको पता है। अगर हम लोग बात करें 5 साल के रिटर्न की, तो आप लोग ने देखा कि लगभग 249% के पॉजिटिव रिटर्न ऑलरेडी इस स्टॉक ने दिखाए हैं। अभी तक इसका ऑल टाइम का हाई लगभग 979 के आसपास है, जो कि लगभग 50% अप है। तो अगर आप लोग अभी इसमें बहुत ही शानदार मौका दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में बाइंग करने का, ऑल टाइम हाई 50% दूर है और पिछले एक साल से ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। अगर आप लोग ने इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो बिल्कुल भी बेचने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार स्टॉक है। अगर आप लोग देखें इसके मैक्स रिटर्न को, तो आप लोग देख सकते हैं लगभग 33,000% के पॉजिटिव रिटर्न ऑलरेडी इन्वेस्टर को प्रोवाइड कराए हैं। बहुत ही साफ मोमेंटम दिखाता है जब भी ये स्टॉक चलता है। तो अगर आप लोग के पास है तो बिल्कुल भी मत बेचिएगा, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही शानदार है। अगर हम लोग कंपनी के फंडामेंटल की बात करें, तो आप लोग तो जानते ही हैं कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख सकते हैं लगभग 32.3% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.8% की। अगर हम लोग बात करें डेप्थ की, तो केवल 3 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्थ है, मार्केट कैप लगभग 7,534 करोड़ का, तो डेप्थ बिल्कुल ना के बराबर है। फेस वैल्यू 1 रुपए के आसपास आपको नज़र आती हुई दिखाई देगी। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखा रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छे रिजल्ट इस कंपनी के पेश आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक का मोमेंटम थोड़ा सा स्लो जरूर है, लेकिन दोस्तों कभी भी कोई भी स्टॉक बहुत ही रफ्तार से भागता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही शानदार परफॉर्म आपको पता ही है करती हुई आ रही है। तो मार्च 2010 में कंपनी कोई भी नेट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती थी, नेगेटिव प्रॉफिट जनरेट करती थी -1 करोड़ का। अगर हम लोग बात करें मार्च 2011 की, तो 3 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, 2012 में 28 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, 2013 में 30 करोड़ का। ऐसे ही कंपनी लगातार ग्रो करती हुई आई, और आप लोग देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना शानदार एवरी ईयर ग्रोथ दिखा रही है। मार्च 2021 में 360 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि पिछले ईयर से थोड़ा सा ज़्यादा था। हम लोग देख सकते हैं कंपनी कहीं से भी वीक नहीं हुई है, आगे चल के आपको शानदार रिटर्न प्रोवाइड करा के दिखाएगी। लॉन्ग टर्म में आप लोग देख सकते हैं पिछले 10% से लगभग 10 सालों से 73% के पॉजिटिव रिटर्न आपको दिखाती हुई आई है। 5 सालों में लगभग 26% के पॉजिटिव रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं, और पिछले 3 सालों से इस स्टॉक ने कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, केवल 1% का ही पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। तो बहुत ही ज़्यादा गुड अपॉर्चुनिटी मिलती है इस स्टॉक को बाइंग करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है लंबे समय में ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा धमाल मचाने वाला है। अभी भी स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें पॉजिटिव मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हालांकि रिस्क भी है, लेकिन दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत अच्छा मुनाफा ये कंपनी देने वाली है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के ईयर ऑन ईयर टारगेट की, कि अगले साल तक ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 3 एनालिस्ट की राय यहाँ पर डली हुई है, और 100% रिकमेंड करते हैं इस स्टॉक को बाय करने के लिए। तो मतलब कि हर एनालिस्ट चाहता है कि इस स्टॉक में बाइंग जरूर बना के रखें, क्योंकि ये स्टॉक आगे चल के आपको फ़ायदा जरूर दिखाएगा। जहां मार्केट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रही है, जिन स्टॉक्स ने ऑलरेडी 200-300% की रिटर्न दे दी है, उसमें रिस्क भी ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि अभी तक मोमेंटम नहीं दिखाए हैं और यहाँ से दिखा सकते हैं। इसीलिए ये कंपनी में बहुत ही ज़्यादा
हाई अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, जो कि अब यहाँ से मोमेंटम दिखाना स्टार्ट कर सकती है। इस वजह से अगर आपके पास ये स्टॉक है तो बेचने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, और नया खरीदने के लिए जब भी इस स्टॉक में गिरावट हो तो आप लोग जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।